तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने लैपटॉप का, जिसका नेम है डेल इंस्पायरन और 3583 मॉडल है नंबर है इसका। तो चलिए हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाक से इसको निकालते हैं और आपको पूरा इसका रिव्यू देंगे हम लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप बहुत ही अच्छे से पैकिंग की हुई है, देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर। आपको इसमें पूरा हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे क्या कर क्या है इसका पूरा रिव्यू देंगे हम लोग आज आप लोगों को। तो आप एकदम वीडियो को इंतजार कर देखते रहिए और इसका पूरा रिव्यू लीजिए कैसे क्या है। देखिए अब इसके अंदर है हमारा, जैसे आप देख सकते हैं ये बिल है इसका, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए और कुछ भी दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर मिला हुआ है, इसको फेंकते हैं साइड में। ये हमारा मेन पैकिंग है, इसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत ही अच्छे से पैकिंग हुई है इसमें, चलिए इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ पे इसका पैकिंग बहुत अच्छे से हुआ है, इसको बॉक्स में निकालते हैं, यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन पेपर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर मैनुअल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अच्छे से लैमिनेटेड भी है। आप इसको रख लीजिए, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे निकालते हैं अपना लैपटॉप, देखिए क्या लुक है, गद्दा लुक है इसका फाड़। और इसके साथ हम लोगों को मिलता है इसका चार्जर, ये एडेप्टर रहा और इसका इधर है कनेक्टर, तो ये रहा कनेक्टर इसका, बस इसके साथ और कुछ नहीं है। बॉक्स रखते हैं साइड में, अब इसको खोलते हैं ओपन, चीको मत कोई। देखिए अब ये कितना अच्छा लुक, ये हुआ स्लिम बॉडी है इसका और सिल्वर ये कोटेड है ऊपर से। तो अब इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका सील ओपन करते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए देखिए कितना गर्दा लुक है इसका, आप देख सकते हैं बहुत हार्ड लुक है इसका। तो अब इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं ओपन करके अंदर में कैसा लुक है। अब देख सकते हैं इसका कितना लुक अच्छा दिया हुआ है, हैवी लुक है इसका। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इंटेल कोर i5 है 8th जनरेशन, इसके साथ ग्राफिक्स भी है 2 GB। इधर देख सकते हैं इसका 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, वाईफाई कनेक्शंस है, HDMI केबल्स दिया हुआ है, यहाँ पे डेल कैमरा भी दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। तो अब ये बहुत ही यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसको देखिए, इसके साथ ये मेमोरी कार्ड भी लगाने वाला है बड़े वाले, और ये USB पोर्ट है इधर, और एक दो इधर USB पोर्ट है, ये इंटरनेट केबल लगाने वाले हैं, और ये HDMI पोर्ट है, और यहाँ पे जैक लगाने वाला है माइक की। तो ये बहुत ही अच्छे इनका है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, चलिए इसके साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके साथ बैकलाइट भी दिया हुआ कीबोर्ड के साथ। तो आप नाइट में भी आपको अगर चलाना है लैपटॉप यूज़ करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए F6 से इस ये या फिर कोई भी बटन पे क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ है इसमें। तो ये कुछ देर टाइम के बाद अपने से ये वो ऑफ हो जाता है और ऑन हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कितना खूबसूरत लुक दिया हुआ है, तो आपको और भी हम लोग बताएंगे क्या रिव्यूज है इसका सारा चीज़। इसके साथ MS ऑफिस भी आपको दिया हुआ है, विंडोज 10 है जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है उसका प्रोडक्ट की। तो आप इसका अब पूरा हम लोग वो करेंगे, आप इनका अनबॉक्सिंग कर लिए हैं, आपको पूरा रिव्यू देंगे अब हम लोग, ठीक है। तो वीडियो करते हैं पॉज और थोड़ा देर हमें आपको कुछ सारा चीज़ इसका डिटेल दिखाते हैं आप फ्रेंड स्क्रीन पे। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपसे क्या सेटअप करना है पूरा फुल प्रोसेस। तो आपको जैसे ही आप लेफ्ट ऑन कीजिएगा तो आप स्क्रीन पे कुछ वॉइस आएगा, तो उसके बाद वो बताएगा, तो आपको समझ में आया तो करें, नहीं इंग्लिश में बोलेगा। तो अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको बेसिकली क्या करना है यहाँ पे कि आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना है लेआउट। तो आप इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर ले यहाँ पे, स्क्रॉल कर करके आप देख ले कहाँ पे है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे यस कर दें। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं लेआउट ये कीबोर्ड का, और स्किप भी कर सकते हैं। तो हम लोग सेट कर लेते हैं दूसरा, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दीजिए नेक्स्ट। Which keyboard layout do you want to add? यहाँ पर आप यूनाइटेड किंगडम कर लीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए। ये कुछ टाइम लेगा, फ्यू सेकंड्स, और आपका नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। Now let's get you connected to a network.
आप पहले वाईफाई ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी वाईफाई ओपन होगा वो लिस्ट हो जाएगा, और उस पर कनेक्ट पे क्लिक Now कीजिए। type your credentials. यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वाईफाई का वो आप सेट कर डाल दीजिए, फिर उसके बाद आप कीजिए नेक्स्ट और कर दीजिए यहाँ पे यस। तो आपका ये वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड हो Mission जाएगा। accomplished. You're all linked up. फिर आपको नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जैसे Now we नेक्स्ट have some important setup to do. तो आपको यहाँ पे कुछ सेटअप करना है जिससे कि आपका पूरा लैपटॉप प्रॉपरली ऑन होगा, ठीक है। चलिए कुछ फ्यू मोमेंट्स रोक लेते हैं और उसके बाद अपना पूरा सेटअप करते हैं। चलिए यहाँ पे फ्यू मोमेंट्स रुकने के बाद यहाँ पे आपको अब आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आप जो भी आपका अकाउंट होगा वहाँ पे यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपका अपना ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो आप पासवर्ड डाल करके लॉगिन करें। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, तो आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मिल जाएगा आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए आपका लॉगिन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे आपका ये अब मांगेगा आपका पर्सनल डिटेल जैसे नेम वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपका जब भी अगर ये टाइम ले रहा है स्टार्टिंग में, तो आप इसको टाइम पूरा लेने दें, ताकि आप पूरा ये फर्स्ट टाइम में पूरा सेटअप वो करता है, तो आप उसको टाइम को प्रॉपरली दें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अपना नेम डाल लेना है। अब नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है, क्रिएट अ सुपर मेमोरेबल पासवर्ड। तो हम लोग Time to make sure we've got it right. Now you can set up three security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question and type your answer. देखिए यहाँ पे आपको कभी अगर मान लीजिए आपने पासवर्ड भूल गया, तो आप कैसे उसको रीसेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे व्हाट इज योर फर्स्ट पेट्स नेम, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम, तो यहाँ पे आप अपने यही निक नेम वाला सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपना निक आंसर दे दें कि आपका निक नेम क्या है। तो आप आपके यहाँ पे निक नेम चूज कर लिए यहाँ पे क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर डाल करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर Now दीजिए। for the second one. यहाँ Same पे drill. आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड पे तीन क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पेट नेम यहाँ पे आप डाल लीजिए, तो आप फर्स्ट नेम यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, Third one's a charm. और आपको Choose your नेक्स्ट last question, type the answer, and you're good to go. यहाँ पे आप व्हाट द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू बर्न, तो यहाँ पे आप इस पे भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आंसर डाल दें। मेघालय, मधुबनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा तीन बार आपसे तीन क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका आंसर देकर के आप उसको याद रखेंगे, ताकि आपको कभी रीसेट पासवर्ड करने में वो काम आएगा। तो यहाँ पे आप इसके बाद क्लिक कर दें नेक्स्ट पे। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, आपका पूरा सेटअप ये कर लेगा, उसके बाद ये ऑन होगा। तो अभी थोड़ा सा और एक दो स्टेप हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अब देखते रहिए पूरा। यहाँ पे आपसे ये टर्म एंड कंडीशन और प्राइवेसी सेटिंग है आपका, तो आप यहाँ पे जो भी आपको पढ़ करके एक बार आप वहाँ पे कर लें। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पूरे ऑल को एक्सेप्ट कर लेने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। Windows can save your spot in apps, files, and यहाँ websites, पूछ रहा है so कि you can डू यू keep मोर doing एक्स what you डिवाइस were विद doing, even when you switch एक्टिविट devices. हिस्ट्री, Just choose yes to sync your activities. तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। चलिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कर लेना है एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये है लेट्स गो है ना डू यू थिंक, तो यहाँ पे आपको कर लेना है सिंपली एक्सेप्ट। Almost done now. We तो यहाँ just पे need सारा to get पूरा a few टोटल more सेटअप things हो चुका polished है। up for you, अब यहाँ पे and आपका Windows लैपटॉप will be ऑन all होगा, yours. पूरा आपका Looking वो होम forward to स्क्रीन helping आएगा, out. डेस्कटॉप यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा आप, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे ये आपका पूरा डेस्कटॉप यहाँ पे शो होगा। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग एवरी थिंग रेडी फॉर यू, ये पूरा सेटअप हो चुका है। अब ये हमारा लैपटॉप प्रॉपरली पूरा ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदर का जो चीज़ें जो है उसके बारे में बता देते हैं। दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। तो यहाँ पे अब आपको मैं थोड़ा सा ये इसके यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को मिला हुआ है इसके साथ। तो आप यहाँ पे देखें, मैंने बोला बताया था आपको कि फर्स्ट में कि MS ऑफिस जो है वो हम इसको इसके साथ हम लोगों को ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका पूरा वर्ड, यहाँ पे सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑफिस देख सकते ऑन हैं कीजिए हमारे साथ, और इसके साथ ये सब चार चीज़ें हैं, 3D व्यूअर, अलार्म्स, क्लॉक। तो ये कैमरा ऑन पूरा करें, ये लेटेस्ट चीज़ें पे पूरा अपडेट यहाँ पे दे दिया है। तो आप यहाँ पूरा जा करके पूरा ये देख सकते हैं। तो एक बार आपको मैं ये ऑफिस ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये क्या है कैसे है। तो यहाँ पे आप जाना, मैं अभी ये एक पावर पॉइंट खोल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट को वो अकाउंट आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, तो इसमें भी लॉगिन करना होगा, तब आप कर जाकर पूरा ये सेटअप
और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। तो मैं जैसे शुरू में आपको बताया था कैसे अकाउंट में लॉगिन करना है, तो बस सेम प्रोसेस है कि आपको ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे कीप मी साइन इन, यहाँ पे कीप मी साइन इन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देना ताकि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का है तो ये इसमें सेव रहेगा, तो अच्छा रहेगा, आपको कभी वो बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये पर्सनल सिस्टम है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं यहाँ पे साइन इन करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा माइक्रोसॉफ्ट एमएस पावर पॉइंट ये मैंने अभी खोला था तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये ऑनलाइन भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप काम करना है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं लिस्ट में है, वर्ड खोल सकते हैं डायरेक्ट यहीं से, आप आउटलुक खोल सकते हैं, वन नोट खोल सकते हैं, यहाँ पे टू डू खोल सकते हैं। तो ये टू डू होता है कि आपको क्या करना है, आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। ये कैलेंडर है, यहाँ पे स्काइपी है, ये पूरा सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू।